नगर निगम भिलाई 3 चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे जिन वार्डो में भूमि पूजन किया है उन वार्डो में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में शहर के अनुरूप विकास की रोशनी बिखर रही है। महापौर निर्मल कोसरे ने पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़ निर्माण कार्यों को गति प्रदान किया। इसके साथ ही निगम के वार्ड में सड़क नाली सहित विकास के कई बहुप्रतीक्षित सपने को शीघ्र ही साकार रूप मिल रहा है। महापौर निर्मल कोसरे लगातार वार्डो में जाकर निगम द्वारा कार्यादेश जारी हो चुके हैं, निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी वे कर रहे हैं। उन्होंने लगातार क्षेत्र की जनता को करोड़ों की सौगात से नवाजा भी है। वहीं जिन जिन वार्डों में महापौर द्वारा विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान उन वार्डों के पार्षद भी अपनी सहभागिता निभाते देखे जा रहे हैं, इसे लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विदित हो कि मैंने 16 अप्रैल को यहां का भूमि पूजन, भिलाई के शहरों का लगातार भूमि पूजन किया था। उसी तारतम्य 19 अप्रैल को वार्ड क्रमांक 16 के सीसी रोड के लिए भूमि पूजन किया गया था। गत दिवस मेरे ऊपर आरोप लगा था कि नारियल तोड़ने के बाद काम शुरू नहीं हुआ। मैं सारे वार्डों का आज निरीक्षण के लिए निकला हूं और जहां जहां पर काम की मैंने शुरुआत की है, आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं 16 नंबर वार्ड में खड़ा हूं। यहां 19,85,000 के लागत से हम लोगों ने सीसी रोड के निर्माण के लिए 19 तारीख को अप्रैल में नारियल तोड़े थे और आज 3 दिन के अंदर ये काम भी पूरा होने के कगार में है। तो निश्चित रूप से सबको साथ लेके चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और सभी के वार्डों में समुचित विकास हो, इसकी धारणा है। मुझे तो अभी बने मात्र 4 महीने हुए हैं। मैंने अभी लगभग अधिकांश 30 वार्डों का भूमि पूजन नारियल तोड़ के किया जा चुका है। सारे वार्डों का मैं भ्रमण कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ काम चालू नहीं हुआ है वहाँ पर काम चालू कराया जाएगा और काम जहाँ पर चालू हो चुके हैं वहाँ निश्चित रूप से मैंने आज ही इंजीनियरों की मीटिंग लेके कहा है कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। वार्ड में जो दिक्कतें हैं, बढ़ी हुई जो गलियां हैं या बड़े हुए सामने के जो दीवालें हैं, यदि दिक्कत आ रही तो वार्ड वासियों को पूछ के उसका भी समाधान किया जाए ताकि आवागमन की सुविधा अच्छे से मिल सके। देखिए, मैं आज लगभग 6 वार्ड में जा रहा हूं। मैं तो शुरू दिन से ही मेरा उद्देश्य था, मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि 40 पार्षद मेरे अपने हैं। नगर निगम के पार्षद हैं तो मेरे पार्षद हुए, चूँकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि महापौर होने के नाते, और हो सकता है मेरे काम से कुछ लोगों को संतुष्टि ना होता हुआ हो, लेकिन आप चूँकि पत्रकार साथी हैं, आप भी इस वार्ड में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि काम 19 तारीख को मैंने शुरुआत की और लगभग 19 मई भी नहीं आया है और 1 महीने के पहले ही काम लगभग पूरा होने जा रहा है। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं क्या सच्चाई है और क्या असच्चाई है। बहरहाल, इस अवसर पर MIC सदस्यों सहित वार्ड के पार्षद शामिल रहे। ग्रैंड ईसीएन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।